नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अयोध्या दौरा, रामायण कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन, तो पर्यटन विकास की कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, सीएम योगी भी रहे मौजूद। आईटीबीपी में तैनात हापुड़ के लाल पंकज शर्मा की तेजपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु, सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार, सैकड़ों लोगों ने दी नम आंखों से विदाई। यूपी के बाराबंकी में बदमाशों का आतंक, तीन बदमाशों ने लूट के इरादे से सराफा व्यापारी दो भाइयों पर बोला हमला, करीब 50,000 की नकदी और जेवरात लूटकर हुए फरार। यूपी के बस्ती में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, जहरीले शराब बनाने के लिए लाई गई 65,000 लीटर स्प्रिट बरामद, दो टैंकर और एक पिकअप के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, स्प्रिट की अनुमानित कीमत करीब 65,00,000 रुपए। नेपाल और भारत के तराई क्षेत्र में भारी बारिश, कई पहाड़ी नदियां उफान पर, तो नौतनवा और निचलौल क्षेत्र के कई गांव पानी से घिरे, मुख्य रास्ते पर बना पुल टूटा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी के 4 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव एवं पर्यटन विकास की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस आयोजन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। इस दौरान राष्ट्रपति का हनुमानगढ़ी मंदिर और कनक भवन में पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रपति ने सबसे पहले रामकथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि 29 अगस्त से आरंभ होकर रामायण कॉन्क्लेव 1 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। रामायण कॉन्क्लेव अलग अलग चरणों में प्रदेश के कई शहरों में संपन्न किया जाएगा। इनमें अयोध्या, गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट, मथुरा समेत कई जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले सपा और बसपा ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव कोशिशों में लगे हैं। अब इस ब्राह्मण राजनीति में भाजपा भी कूद गई है। भाजपा के नेता आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विद्वत समाज सम्मेलन और अभिनंदन कार्यक्रमों के जरिए ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के तहत लखनऊ सहकारिता भवन में विद्वत सम्मेलन और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे और अजय मिश्रा टेनी समेत भाजपा के कई नेता शामिल होंगे। तो वहीं विद्वत समाज सम्मेलन में भारतीय संस्कृति एवं समाज के उत्थान में विद्वत जनों की भूमिका विषय पर चर्चा होगी। साथ ही इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के लोगों का सम्मान भी किया जाएगा। खबर यूपी के बलिया से है, जहां सपा में शामिल होने के बाद अंबिका चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार की नीतियों से त्रस्त है, बीजेपी की नीतियों और कार्यों से लोगों की हालत दयनीय होती जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान, युवा और कमजोर तबके के लोगों की हालत दयनीय हो गई है, जबकि बीजेपी धर्म, जाति के नाम पर समाज में भेद पैदा कर रही है। इस बीच उन्होंने आगामी चुनाव में सपा की सरकार बनने का दावा किया। उसके सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, कार्यप्रणाली से, उसके
झूठे वादों से बहुत दुखी हैं। और दुखी कहना तो बहुत छोटा है, मैं समझता हूँ कि किसानों की, बेरोजगार नौजवानों की, छोटे व्यापारियों की तो स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि उनका जीवन चलाना कठिन हो गया है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है कि इस सरकार की प्राथमिकता दूसरी है। एक और जहां सार्वजनिक उपक्रमों को कुछ अपने नज़दीकी 4-5 मित्रों के हाथों में बेचने का और किराए पर देने का जो खेल चल रहा है। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां जिला पंचायत भवन में अध्यक्ष पूनम मौर्य की अध्यक्षता में जिला पंचायत की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही महिला सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। तो वहीं दूसरी बैठक में कई अधिकारी भी नदारद रहे। आईटीबीपी में तैनात हापुड़ के लाल पंकज शर्मा की असम के तेजपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। ऐसे में पंकज शर्मा का शव हापुड़ लाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ पंकज का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी, तो वहीं पूरा हापुड़ शोक में डूबा हुआ दिखाई दिया। इस अवसर पर विधायक विजय पाल आढ़ती भी उपस्थित रहे। यूपी के गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। ऐसे में आज बीए की प्रवेश परीक्षा का आयोजन हुआ। इस बीच प्रवेश परीक्षा में 2437 सीटों पर 11,475 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखा गया। यूपी के बिजनौर स्थित मंगलखेड़ा गांव में घरेलू विवाद के चलते ससुराल पक्ष ने अपनी ही बहू की निर्मम रूप से हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर पहुंचे पीहर पक्ष ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। अमेठी में शिवरतनगंज पुलिस और एसओजी टीम के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। ऐसे में पुलिस ने लूट के रुपयों के साथ घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस लूट के मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यूपी के अमरोहा से बड़ी खबर है, पुलिस अफसर के नाम पर मोटी रकम वसूलने के मामले में कार्रवाई। मोटी रकम वसूलने को लेकर पूर्व पालिका अध्यक्ष गिरफ्तार। बौखशी के आरोपी को बचाने के एवज में ये रकम ली गई थी। बचरायू के पूर्व पालिका अध्यक्ष अफसर अली वारसी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस अफसर के नाम पर हड़पे 1,00,000 रुपए। आरोपी के साथ बातचीत का ऑडियो भी वायरल। ऑडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और गिरफ्तारी की। यूपी के मथुरा में आग का तांडव देखने को मिला। चलती हुई लोडिंग गाड़ी में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अफगानिस्तान के काबुल से लौटे बांसडीह स्थित छित्रौली निवासी राजेश पांडे के चेहरे पर अभी भी खौफ है। भारत लौटने के बाद राजेश पांडे ने बताया कि वो अफगानिस्तान के हालात को देखकर घर वापसी की उम्मीद ही खो चुके थे। ऐसे में सरकार के प्रयासों के चलते उनकी वतन वापसी हो पाई है। उन्होंने बताया कि तालिबानियों के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में अराजकता की स्थिति हो गई है। राजेश पांडे है, ग्राम चित्रौली कोच बीते नारायणपुर जिला बलिया थाना बाहर।
काफी संख्या में आपके दरवाजे पर भीड़ लगी, क्या मामला? काफी संख्या में भीड़ इसलिए लगी है कि मैं काबुल अफगानिस्तान से आया हूँ, मेरे मित्र हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मेरे भाई लोग हैं, मुझे मिलने आए हैं। अच्छा, कितने दिनों पहले अफगानिस्तान गए थे आप? मैं 6 महीने पहले अफगानिस्तान गया था और 6 महीने बाद मैं 22 तारीख को 22 अगस्त को मैं वहाँ से काबुल से चला हूँ, 23 तारीख को मैं अपने घर पहुँचा। क्या करते थे वहाँ? मैं वहाँ रोलिंग मिल में टर्नर के पद पर कार्यरत था, डाई ऑपरेटर, स्टील कंपनी थी, मैं यही में कार्य करता। कौन सी कंपनी थी? मिल स्टील कंपनी थी जी। तो आपके साथ वहाँ क्या हुआ? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, वहाँ जो माहौल था वो भयानक था माहौल, वहाँ जो काबुल एयरपोर्ट पर था, जो वहाँ की दहशत थी। यूपी के वाराणसी स्थित इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए जन्माष्टमी महोत्सव पर दर्शनों की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बीच वाराणसी में भी मथुरा जैसा नजारा देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस्कॉन मंदिर में बाल गोपाल को खीर में स्नान कराकर झूला झुलाया जा रहा है, साथ ही महिलाएं गोपी बनकर बाल गोपाल का जन्मोत्सव मना रही हैं। का पर्व मना रहे हैं यहाँ पे, और हमको लग रहा है जैसे आज हम वृंदावन में ही हैं। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और अभी हम लोगों ने श्री कृष्ण भगवान को दही से दूध से स्नान करवाया है, अच्छे नए कपड़े पहनाए हैं और आज हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग गोपियों की तरह आज तैयार होकर सभी लोग यहाँ पे आए। खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां नेपाल और भारत के तराई क्षेत्र में हो रही लगातार भारी बारिश से कई पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। महाराजगंज जनपद के नौतनवा और निचलौल तहसील क्षेत्र के कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं, जबकि कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। इधर बकुलडीहा क्षेत्र को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते पर बना पुल पानी के तेज दबाव के कारण टूटकर बह गया, जिससे ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। यूपी में धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री का बड़ा खुलासा, बरेली में चल रही थी धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री, तांत्रिक सैयद निजाम पर संगीन आरोप, तांत्रिक के भेष में वशीकरण कर लाखों रुपए ऐंठे, एक दर्जन से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण करवाया जा चुका है। बरेली के जगतपुर निवासी है आरोपी सैयद निजाम। आरोपी गैंग में एक दर्जन लोगों के शामिल होने की खबर, पुलिस की पूछताछ में आरोपी के कबूलनामे का वीडियो भी वायरल हुआ है। आरोपी को कादर चौक थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अच्छा, पब्लिक ने इतना मारा तुम्हारे लिए? ये बताओ, ये जो तुमने पूरा प्रोपेगेंडा रचा है, कितने रुपए लिए हैं इन लोगों से? ये प्रधान जी से और अध्यक्ष जी से किस लिए लिए हैं ये रुपए? धर्म परिवर्तन के लिए लिए हैं? धोखाधड़ी करी इनके साथ में तुमने? यूपी के बाराबंकी में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर से घात लगाए 3 बदमाशों ने लूट के इरादे से सराफा व्यापारी 2 भाइयों पर धावा बोल दिया। इस दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों भाई घायल हो गए। बदमाश करीब 50,000 की नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से एक को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। यूपी के बस्ती में हरिया एसडीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से अवैध निर्माण हो रहा है। गैर थाने की पुलिस आदेशों को दरकिनार कर रही है। पुलिस की मिलीभगत से मकान का अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। न्याय पाने के लिए एसडीएम का स्थगन आदेश लेकर दर दर भटकता हुआ नजर आ रहा है पीड़ित परिवार। तो वहीं बभनान नगर पंचायत के पटेल नगर वार्ड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी के बस्ती में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर जहरीली शराब बनाने के लिए लाई गई 65,000 लीटर स्पिरिट बरामद की है और इस दौरान 2 टैंकर और 1 पिकअप को जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बरामद स्पिरिट की अनुमानित कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।
जहरीली शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्पिरिट पर बहुत कमर तोड़ कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई स्वाट टीम के द्वारा की गई। इनके द्वारा 2 स्पिरिट के टैंकर पकड़े गए हैं जो एक पिकअप में स्पिरिट उतार रहे थे। ये तीनों गाड़ियां पकड़ी गई हैं और तीनों गाड़ियों के ड्राइवर पकड़े गए हैं। इस पूरी साजिश के पीछे जो मुख्य षडयंत्रकर्ता हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है। ये ड्राइवर पूर्व में कभी जेल नहीं गए हैं। खबर यूपी के संभल से है, जहां दीपा नगला गांव में नल पर नहाते समय बिजली के करंट लगने से युवक की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया, जिसके बाद परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। जानकारी के मुताबिक दीपा नगला निवासी पीयूष मंडल नहाते समय अचानक से करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस और एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां कोतवाली नगर के अतर्रा चुंगी की दुकान में हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया है, साथ ही चोरी का माल भी बरामद किया। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।